हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। तो अभी हम बात करते हैं, डीएसएसबी ने एमसीडी पीआरटी का रिजल्ट आउट किया था। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले उन्होंने मार्क्स कैंडिडेट्स के इंक्रीज किए थे। जैसा आपने देखा होगा, 165 तक कैंडिडेट्स के मार्क्स आए थे और उसी शिफ्ट में कैंडिडेट्स के मार्क्स कम भी हुए हैं और उसी शिफ्ट में मार्क्स बढ़े भी हैं। अभी मेरे पास एक दो कमेंट्स आए थे, हालांकि मैं उनकी पूरी सच्चाई नहीं जानता। मैंने उनसे बात करी थी, पर्सनली कॉन्टैक्ट भी किया था, तो वो पूरा बोल रहे हैं कि मेरे मार्क्स कम हुए हैं। उनके पहले 85 मार्क्स थे और वो घटकर अब 60 कुछ मार्क्स हो गए हैं। तो साथियों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप भी अपने व्यूज जरूर दें। अभी बता देना चाहता हूं कि ये जो भर्ती है एमसीडी पीआरटी की, ये बहुत ही मुश्किल में आ गई है। जैसा कि डीएसएसबी ने एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है, पहले एनआईओएस से क्वेश्चन लेके, रिपीटेड क्वेश्चन लेके, अब बात आती कि इसमें कैंडिडेट्स की क्या गलती है, इसमें कैंडिडेट्स की क्या गलती है। एक ही शिफ्ट में आप लोग इतने इतने मार्क्स बढ़ा रहे हैं और एक ही शिफ्ट में आप मार्क्स भी घटा रहे हैं, तो इससे साथियों उन कैंडिडेट्स का जो पढ़ने वाले हैं वो कंपटीशन से सीधे तौर पे बाहर हो गए हैं। और उनके साथ बिल्कुल, जो मैंने देखा है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन उन लोगों के साथ बिल्कुल साफ तौर पर इनजस्टिस हुआ है। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि डीएसएसबी किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर रहा है और खासतौर पर पीआरटी के साथ हर जगह बहुत ही गलत हो रहा है। हरियाणा ले लें, केवीएस ले लें, अभी डीएसएसबी में भी आपने देख लिया है। तो इसके रिगार्डिंग जैसा मुझे सुनने में आ रहा है, जो कैंडिडेट्स हैं पीआरटी वाले, वो जल्द ही कुछ धरना प्रदर्शन या किसी मिनिस्टर से मिलने वाले हैं। और साथियों, अगर आपके साथ गलत हुआ है, अगर आपके साथ जेन्युइन तौर पर गलत हुआ है, देखो ऐसा नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे मैंने देखी थी, 200-200 नंबर तक दिखा रखे थे, 197 नंबर, वो बिल्कुल फेक थे। वो मैंने जैसे चेक किया तो वो बिल्कुल फेक था। 165 तक मैंने जो सुनने में आए, 165 तक है, 157 तक मैंने खुद देखा था। तो ये मार्क्स इतने टफ एग्जाम में, क्योंकि दो घंटे के अंदर 157, 160, 165 नंबर लेना इतना इजी काम नहीं है जितना डीएसएसबी ने वो चीज़ कर दी। अब 13-14 इवन 28 वाले भी, इवन 30 वाले भी, अब ये नहीं पता कि किस तरीके से उन्होंने मार्क्स बढ़ाए हैं। हालांकि सुनने में ये आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन को हटा के और जो मार्क्स हैं, जैसे रिपीटेड क्वेश्चन है, 100 नंबर का एक पेपर है, मतलब सेकंड पार्ट मान के चलो 100 नंबर का है, उसमें से आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चन हो गए रिपीटेड। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, सेकंड पार्ट 20 रिपीटेड है, इसके बाद जो 80 है, 80 में से परसेंट निकाल के वो 20 की जगह फिट किए जाएंगे। तो उस हिसाब से जैसे 80 में से 80 आ गए तो बच्चों को क्या मिलेंगे, 20 नंबर वो पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन से उनको बेनिफिट दिया गया अलग से, 28 वालों को भी और 30 वालों को भी, और 13 और 14 वालों के भी कुछ मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो साथियों, ये सीधे तौर पर इनजस्टिस हुआ है। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पहले 105-10 नंबर थे, वो कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। अभी एक साथी था हमारा, उसके 105 नंबर थे पहले, उसके 107 नंबर हुए हैं और 14 वाली शिफ्ट से था वो, और अभी भी वो क्या है कि इतने नंबर ला के भी वो कंपटीशन से बाहर है। तो ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन है, ये कुछ समझ नहीं आया। लेकिन आने वाले कल आप टेंशन ना लें, आने वाले एक दो दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत आक्रोश है और इसके रिगार्डिंग जल्द ही किसी मिनिस्टर से, और अभी आप देख रहे हैं केस करने की भी बात हो रही है, तो ये भर्ती बहुत आसान नहीं रहने वाली है। तो साथियों, आप ये चैनल देखते रहें, जो भी अपडेट होगी, क्योंकि इनजस्टिस आपके साथ हुआ है वो हमारे साथ हुआ है, क्योंकि आप हमारे चैनल की एक फैमिली हैं। ये चैनल नहीं, एक फैमिली है, और किसी के साथ अगर गलत होता है हमारी फैमिली में तो हम आप लोगों के साथ हैं। ये बिल्कुल आप भूल जाएं कि अपने फायदे के लिए कोई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये आप लोगों के लिए है। और पहले भी हम साथ थे, अब भी साथ हैं, और आगे न्यू वैकेंसी निकलवाने के लिए भी आप हम के साथ हम रहेंगे और आप भी हमारे साथ रहें। तो साथियों,
जो भी अपडेट रहेगी आपको बता दी जाएगी आज या कल में, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, साथ ही केस करने के लिए बोल रहे हैं, या जो भी अपडेट है आपको बता दी जाएगी। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।